माय चैनल, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन दिस सिचुएशन। तो काफी दिनों बाद आज मिल पाई एंड हैप्पी रिपब्लिक डे, जो कि आज 26 जनवरी है। सो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से इंजॉय कीजिए, आज का बहुत इम्पोर्टेंट डे है ये। सो मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहती हूँ जो कि इन दिनों मेरे साथ हुआ। एंड आप शायद पीछे देख रहे हो, किसी को नहीं देख पा रहे हो शायद। इन दो दिनों में मेरे साथ बहुत एक अजीब चीज़ हुई, वो है कि मेरे घर पे एक न्यू मेंबर आई है। मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक ब्लॉग बना ही दूँ आप लोगों को और आपको बता ही दूँ, क्योंकि हर बात आपसे शेयर करती हूँ। आई होप आप देख पा रहे हो उसे। कम। सो ये मेरी नई घर की मेंबर है, इसका नाम सिम्बा है। हाय सिम्बा, से हाय। हाय। हाँ, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत शांत है एंड बहुत फ्रेंडली है। बहुत अच्छी है। वैसे तो मैंने बहुत सारे डॉग्स पाले हुए हैं। मैंने बैंगलोर में एक डॉग अडॉप्ट की थी एंड मैं घर पे भी इस बार जब गई थी तब भी एक डॉग मैंने अडॉप्ट की थी। आपको सर शेयर भी की थी उसका, वो एक व्लॉग में उसको। ये मेरी तीसरी है जो कि कैट। बेसिकली कैट का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरा फर्स्ट है ये, और ये ऐसा वैसा कैट नहीं है, मतलब इंडियन ब्रीड नहीं है ये। ये पर्शियन कैट है। जैसे अब इसकी फर और पूछ देख के आप अंदाजा लगा ही चुके हो, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके साथ। इसका मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे लिए न्यू है कैट संभालना। मैं जो एक्सपीरियंस करूँगी, मैं हर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये गुर क्यों कर रहा है? ओके, और नोच रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमने कल कुछ चीज़ें लाई हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैं इनके लिए लाई हूँ। एंड ये बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, सच में बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत स्वीट भी है। है ना सिम्बू, क्यों सो रहे हो? यही था आज मेरा ब्लॉग में आने का कारण कि मेरे घर में एक न्यू मेंबर आई है। अच्छे से देखो, इसके लिए भी ये घर नया है क्योंकि ये अपनी मम्मी को छोड़ के आई है। इसके 2.5 मंथ्स है। तो इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इसको मैंने अडॉप्ट किया है। वो जो मेरी एक्चुअली मेरे यहाँ पे एक नेबर है, तो उनके घर पे 2 पर्शियन कैट है, ठीक है। उनके घर पे बहुत ही पर्शियन कैट है, बट वो जहाँ पे अभी रह रहे हैं उसमें 2 है। तो शायद उन्होंने उनके 2 पर्शियन कैट ने बेबी दिए है, तो उसमें से वो एक बेबी मुझे दिया है। और बहुत सारे बेबीज हैं उसके पास, गर्ल्स बॉयज बहुत सारे बेबीज है, पर इसका नाम ये फीमेल है। देखो, सो गया। डोंट वरी। तो मैं मेरा ड्रेस खराब कर दे रहा है। मैंने बहुत रिसर्च किया कि कैट के बारे में, कि मुझे कौन सा, मतलब अगर पर्शियन लेना है तो मुझे फीमेल लेना है और मेल लेना है, कौन सा लेना है। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ से मुझे लगा कि फीमेल्स लेना ज़्यादा बेटर होगा।
तो गाइज अभी उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी को छोड़ के वो आई है एंड अभी मुझे उसको डॉक्टर भी दिखाना है कि थोड़ा गंदगी है, उसको ग्रूमिंग करनी है अच्छे से, फिर ब्रश तो मैं रोज करती हूँ उसको तो ग्रूमिंग। ओ शिट, वो मेरा ड्रेस फाड़ दे रहा है, ओ माय गॉड, सी हाँ। तो ग्रूमिंग भी उसको अच्छे से करनी है कान वान का, और मैं जो आज उसको करने वाली हूँ उसको टिक्स का कुछ एक मेडिसिन है उसको मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे, जो उसका अंदर का जो भी कीड़ा मकोड़ा जो भी है सब निकल जाए। और ब्रश और एक बात बोलनी है कि इनका ये हाई मेंटेनेंस कैट है तो इसका ब्रश, इसका जो ग्रूमिंग है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर इसका ग्रूमिंग अच्छे से नहीं किया तो ये मतलब ये जो फर, इतना सा फर है ना, सब अच्छा नहीं लगेगा, सब एक साथ होके बहुत उसके लिए भी तकलीफ है, आप लोगों के लिए तकलीफ है और बाल बहुत झड़ेगा। तो हर रोज़ इसका ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉगी का आप लोग करते हो इनका भी करना चाहिए। एंड इसका मैंने अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके मैं इनका वैक्सीनेशन स्टार्ट करूँगी फेब्रुवरी से। एंड यही था और जो मैं इसके लिए लाई हूँ, चलो मैं वो आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैं मेरे सिम्बा के लिए क्या क्या खरीदी हूँ। तो गाइज मैं कल गई थी मेरे सिम्बा के लिए कुछ चीज़ें लाने, पेट शॉप पे गई थी, तो ज़्यादातर तो कैट्स के लिए कुछ होता नहीं है, डॉग्स के लिए ज़्यादा वैरायटीज़ है, बट उनके लिए उसके लिए मैंने फर्स्ट तो लाया विस्कस का एक, ये उल्टा आ रहा है, विस्कस का एक ड्राई फ्रूट जिसमें मिल्क ओशन फिश फ्लेवर दिया हुआ है, तो ये जूनियर है, लाइक यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है, जूनियर है ये, 2 to 12 मंथ्स की बेबीज को दिया जाता है, किटन के लिए है ये। तो आप चाहे तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज मिल जाता है इसमें, लाइक आपको रॉयल कैनिन से स्टार्ट करके बहुत पेट फिट बोल के एक भी शायद है, ऐसा कुछ नाम है मुझे एक्जैक्टली आप मिल जाता है, पर मैं अभी इसके लिए यही ले रही हूँ क्योंकि ये जो प्रीवियसली जहाँ पे खाती थी वो यही खाती थी, तो मैं इसको यही अभी दिला रही हूँ। बट अगर मुझे लगा कि इसको चेंज करना है तो मैं ऑब्वियसली चेंज करूँगी। एंड गाइस ये 2 to 12 मंथ्स की है, ओशन फिश फ्लेवर एंड विथ मिल्क, ठीक है। इसका प्राइस आता है टोटल 180 का आता है, 450 ग्राम है। मैं प्रेफर करूंगी कि ये थोड़ा कम ही दे, आपका होममेड जो फूड होता है वो ज़्यादा देने के लिए, लाइक चिकन और लीवर पीस को ज़्यादा देने के लिए, उससे क्या होता है कैट्स हेल्दी होता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो फर्स्ट टाइम कैट अडॉप्ट किए, इसको कैसे पता, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मुझे जो दीदी ने दिया है ये रेशमा दी, तो उसने मुझे बताया क्योंकि उसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कैट के साथ, तो उसने मुझे बताया कि ये होममेड फूड कैट्स के लिए बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्दी भी होता है उनके लिए, तो ये थोड़ा अवॉइड करने से आपको अच्छा है, पर आप दे सकते हो, एडल्ट कैट के लिए आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने लाया है किटन वाइपर्स, यहाँ पे उल्टा आ रहा है गाइज, किटन वाइपर्स है ये, स्टोर में 15 पीसेस का, वन सेकेंड मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ कितने का लिया था ये, हाँ 15 पीसेस का ये 175 है, 15 पीसेस रहता है इसमें, बट और एक ऑफर जब भी आया है 15 भी है 20 भी है, ठीक है ये उल्टा आ रहा है, 20 पीसेस 175 में मिलता है और 15 पीसेस भी आपको 175 में ही मिलेगा, जो कि ये ऑफर में है, दैट्स वाई मैंने इसे ही परचेस किया है। ये एक्चुअली क्या होता है, इंस्टेंट पेट बर्थ, लाइक आप अगर लाइक ये ड्राई शैम्पू जैसा काम करता है, लाइक आप अगर आपके पेट्स को नहाना नहीं चाहते हो तो आप ये वाइपर से उसको जस्ट वाइप कर देना है, एंड ये अमेजिंग स्मेल है गाइस, ऐसे आपको उठाना है यहाँ पे, एंड अमेजिंग स्मेल है, तो इसको आप कैट्स, ये किटन के लिए है, ओके ये किटन के लिए, इसमें डॉग्स की भी बहुत सारी वैरायटी है तो आप इसको देख सकते हो। ये मैंने किया है,
और मैंने नेक्स्ट लिया है एक दिस उल्टा आ रहा है हिमालय का एक शैम्पू विथ कंडीशनर जो कि अगेन बहुत अच्छा है पेट्स के लिए. यहाँ पे डॉग एंड कैट्स दोनों यूज कर सकते हैं इसको. सो डॉग एंड कैट्स दोनों यूज कर सकते हैं इसको. तो इसका आप टोटल प्राइस आता है 300. इसका 300 प्राइस आता है हिमालय का. तो उसमें बहुत सारे और भी कंपनीज थी बट मैंने इसको हिमालय चूज किया. शिट ये इतना मैं इसको हिमालय चूज किया क्योंकि मैं पहले भी मेरे दो पेट्स को हिमालय दे चुकी हूँ ये शैम्पू. और ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं. फुल एकदम कोई केमिकल्स वैसा नहीं होता है, पूरा नेचुरल होता है. तो दैट्स वाई मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ ऑलवेज. तो ये कितने ग्राम्स की है मैं बता दे रही हूँ. सॉरी ग्राम्स तो नहीं है, 200 ml की है ये 300 rupees. ठीक है, थोड़ा आप सोचो कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा. थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है ये गाइस क्योंकि ये पेट्स और पेट्स के लिए बनाया हुआ है. सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है. एंड मैंने और एक लाया है ड्राई जेली. जेली बेसिस मैंने लाया है, जेली बेसिस मैंने एक खाना लाया है किटन के लिए. 2 to 12 months की है. अगेन 2 to 12 months की है ये. सॉरी मैं थोड़ा चेक कर रही थी, मैंने चेक भी नहीं किया. ओह माय गॉड सॉरी. ये 85 ग्राम्स की है जिसमें 12 pieces रहता है. ठीक है, 12 pieces रहता है. इसको मैंने और एक ओपन भी किया है. तो इसमें सारा जो है मैं आपको लेके दिखा रही हूँ सामने. ऐसा पाउच में आता है, ऐसी पाउच में आता है. नो यह आप अपनी किटन को दे सकते हो. ये भी नॉन वेज ही है. ये जेली फॉर्मेट में बना हुआ है, जेली फॉर्मेट में बना हुआ है ये. सो ये आप कैसे दे सकते हो उनको, एक आप ये जो ड्राई फूड है इसके साथ मिला के दे सकते हो, या फिर आप राइस के साथ इसको मिक्स करके आपके किटन को दे सकते हो. ये बहुत हेल्दी होता है किटन के लिए. तो मैंने सोचा कि बार बार क्या जाना बाहर, एक बार से ही खरीद के लाते हैं. तो इसमें 12 पीसेस होता है. तो एक पीसेस आपको दो टाइम किटन के लिए, मेरा किटन 2.5 months की है. तो मेरा किटन के लिए एक पाउच दो टाइम हो जाता है. मतलब अगर मैं उसको लंच में दूँ तो मैं उनको डिनर में भी दे सकती हूँ. तो मेरा ये एक पाउच दो टाइम के लिए चल जाता है. एंड और मैंने एक चीज लाई है, मैंने लाया है एक मेडिसिन जो कि किटन और कैट्स के लिए है, जिसके अंदर जो टिक्स हो जाती है किटन के अंदर. तो उसको ये है फॉर कैट्स एंड किटन्स 4 weeks और ओल्डर. मतलब ये आप 4 weeks का भी किटन से, सॉरी 8 weeks 1 week. तो ये बेसिकली इस फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में आता है ये. इसको यहाँ से ओपन करने से पूरा लिक्विड होता है इसको. तो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको इसके डू एंड डोंट्स भी दिया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर. बॉडी में नहीं देना है, उसको हाथ में लेके उसको अच्छे से किटन की अच्छे से बॉडी को ऐसे 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 मसाज करके देना है. पूरा ऐसे ऐसे मसाज करके, जैसे उसके कान के इस साइड में ज्यादा होते हैं टिक्स, तो यहां से भी उनको देना है. एंड हाँ, इसको अच्छे से अप्लाई करने से करके नहाने के 2-3 घंटा पहले आप ये लगा सकते हो. 2-3 घंटा पहले, मतलब 2-3 घंटा देके आप रख सकते हो इसको. तो उसके बाद आप शैम्पू करवा दीजिए, जो भी पेट्स शैम्पू होता है वो शैम्पू करवा दीजिए. गेम खेल रहा है उधर.
तो ये मैंने लाया है, एंड मैंने लाया है एक कोम जो अभी भी उसका बाल लगा हुआ है क्योंकि मैं कुछ देर पहले उसको ब्रशिंग की हूँ. ओ माई गॉड, ये स्क्रैच फेंक दिया. हाँ, कोम तो ये भी मुझे अराउंड 150 और 175 में मिला है. ये किटन के लिए है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है इसका जो सामने है, एंड इसको आप अच्छे से अगर आप वो मेडिसिन लगाने के बाद इसको ब्रश करोगे तो पूरा आपका जो टिक्स है वो निकल के आएगा यहाँ पे. सो ये गाइस 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 कुछ हुआ है किचन में, एक मिनट. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किसने किया ये, किसने किया, किसने किया? सिम्बा, 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 किसने किया ये बच्ची ने यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ये पूरा इसको गिरा दिया. देखो गाइस, पूरा गिरा दिया. क्यों किया सिम्बा, क्यों किया, क्यों किया आपने सिम्बू? सिम्बू, अचानक से किचन से आवाज आया खट करके. मैंने देखा ये पूरा ट्रे में जो भी था वो गिरा दिया, और इसके भी बॉडी में चाय वाय लगी है तो मुझे इसको साफ करनी है. एंड यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करती हूँ गाइस. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा कि अगर मैं आपको नया नया वीडियो शेयर करूँ तो वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए नोटिफिकेशन. तो उसके लिए सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा और ये दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा. हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन, एंड बाय बाय, टेक केयर.